नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यू नेशन। आखिरकार वक्त आ गया चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि भारत के साथ हैं कई बड़े देश। अगर ये बड़े देश भारत के साथ हैं तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने से भारत पीछे नहीं हटेगा। बता दें आपको, चीन से तनाव के बीच दोस्तों से मारक हथियार हासिल करने में भारत जुटा हुआ है। जिस तरह से लद्दाख में तनाव के बीच राजनाथ सिंह का रूस का दौरा और उसके साथ ही कई बड़े देशों से बड़ी डील होनी है, और इन्हीं डील की वजह से चीन आज थर्राया हुआ बैठा। वीडियो दिखाऊंगा, बस आपसे अनुरोध है कि कुछ नहीं कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो लिख ही सकते। बता दें आपको, भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। लद्दाख में भारत ने सुरक्षा तगड़ी कर दी है। चीन की किसी भी धोखे का जवाब देने के लिए भारतीय जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। इन सब के बीच भारत ने अपने मित्र देशों से तेजी से मारक हथियार हासिल करने में जुटा है। देश के नाम बता दूं, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे देश भारत को सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण और हथियार मुहैया कराने का भरोसा दे चुके हैं। बड़ी बात है, यह है भारत का परचम, यह है भारत देश की शक्ति, जिसके आगे न चीनी कभी टिके थे न टिकेंगे, क्योंकि अब यह 19वीं शताब्दी का भारत नहीं है। जिस तरह से बड़े देशों ने वादा कर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हम आपके साथ हैं और भारत को जितनी आवश्यकता होगी अस्त्र शस्त्र की हम उसको देंगे। इसराइल ने कारगिल जंग के दौरान भी भारत को तेजी से मारक हथियार उपलब्ध कराए थे। चीन के साथ तनाव के बाद इसराइल अपने मित्र भारत को कई ऐसे मारक हथियार देने वाला है जिसका जवाब चीन के पास नहीं होगा। रूस ने भी S-400 की जल्दी आपूर्ति का वादा कर दिया है। जिस तरह से चीन से तनाव के बीच सीमा पर गरजे भारत के विमान, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय थल सेना और वायुसेना ने साथ में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में सुखोई और चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। यह युद्धाभ्यास चीन से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के रूप में किया जा रहा। बता दें आपको, जिस तरह से फ्रांस के साथ हुए खरीद समझौते के तहत भारत को 36 राफेल जेट मिलने हैं। पहला राफेल 27 जुलाई को भारत को मिल जाएगा। वहीं पर योजना के मुताबिक पहले 4 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला आने वाले थे, लेकिन फ्रांस अब कुछ ज़्यादा संख्या में लड़ाकू विमानों को भेजेगा। 8 विमानों का सर्टिफिकेशन जल्द ही मिलने वाला है। गर्व की बात है साहब। और बता दें, राफेल विमान को आसमान का अजेय योद्धा माना जाता है। अगर राफेल आसमान में उड़ा तो सोच लीजिए साहब कि दुश्मन के पसीने छुड़वाने पर मजबूर कर देगा। इसी डील के साथ और भी राफेल अब भारत में आने वाले। बता दें आपको, हवा से हवा में मार करने वाले लंबी दूरी की मिसाइलों को इसे लैस किया जा सकता है। इसका निशाना अचूक होता है, यानी इसके सामने कोई भी मिसाइल टिक नहीं सकती। बता दें, इसराइल ने भी भारत को कारगिल युद्ध के दौरान भी हथियारों की जल्दी मदद उपलब्ध कराई थी। चीन के साथ तनाव को देखते हुए इसराइल इस बार भी भारत को डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है और इसे लद्दाख में तैनात किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसराइल से जल्द ही यह मारक हथियार भारत को मिलने वाला है। इसराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भारत लंबे समय से बात भी कर रहा था। जिस तरह से इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने सन 2018 में जानकारी दी थी कि भारत से उसने $770 मिलियन यानी करीब बात करें तो 56,870 करोड़ रुपए की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डील किया गया था। जिस तरह से पुराना मित्र रूस जल्द ही देगा ब्रह्मास्त्र
यानी कि साहब ब्रह्मास्त्र का मतलब ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जल्द ही रूस भारत को देने वाला है। जिस तरह से भारत का पुराना मित्र रूस जल्दी भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान रूस जल्दी ही इस सिस्टम को उपलब्ध कराने पर सहमत हो चुका है। यही नहीं बल्कि भारत के पास कई सारे हथियार हैं और भारत का नया रणनीतिक साझेदार अमेरिका भारत को हर मोर्चे पर मदद देने के लिए तैयार है। वह फिलहाल खुफिया से लेकर सैटेलाइट इमेज भारत को मुहैया करा रहा। सैटेलाइट इमेज के जरिए लद्दाख सीमा पर चीन की सारी हरकत दुनिया के सामने आ रही है। यही नहीं अमेरिका भारत को सभी प्रकार की मदद का आश्वासन दिया है। भारत ने अमेरिका से M-77 का ऑर्डर दिया है। यह हथियार पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। तो इन्हीं सब देशों ने जो भारत को आगे बढ़ाने की हिम्मत दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, और भारत के पास वो जज्बात हैं, भारतीय सेना के पास वो पावर है जिससे कि चाओ माओ को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। भारत के पास कई सारे हथियार रूस के हैं। ऐसे में भारत ने टैंक के गोले से लेकर लड़ाकू विमानों से गिराए जाने वाले बम तक की आपूर्ति जल्दी करने का आग्रह किया है। सेना ने भी एंटी टैंक मिसाइल की मांग की है। रूस इन सभी हथियारों को जल्दी आपूर्ति कराने वाला है। यानी सारे देश जो हमने अभी बात की है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, जो भी भारत के मित्र देश हैं, वो सब भारत के साथ खड़े हैं। जिस तरह से कारगिल में इजराइल ने साथ दिया था भारत को, यानी कि तुरंत ही उन्होंने अपना दोस्ताना का फर्ज अदा किया और अपनी मिसाइल भेजी, अपने अस्त्र शस्त्र भेजे जिनकी आवश्यकता भारत को थी, तो वो दिन याद रखेगा भारत भी और उस मित्रता के संबंध को याद रखेगा इजराइल भी। जिस तरह से भारत भी बड़े बड़े समझौते के लिए जाना जाता है, ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी से चाल चलना सीखा है। कई देशों ने, यहाँ तक कि ईरान ने भी कहा था कि ये युद्ध नहीं हो सकता, अगर युद्ध होगा तो विनाश होगा, और अगर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो ये युद्ध नहीं होगा। यानी कि ईरान ने खुद नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी। एक इस्लामिक देश और वहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी से वाकिफ हैं और वो भी हमेशा कुछ ना कुछ मदद मांगते रहते हैं। जिस तरह से कोरोना काल के टाइम जहां पर कुछ ऐसे देश जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, उन देशों ने गद्दारी की है। साफ शब्दों में अगर मैं बात करूं तो चीन, मास्क बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, पीपीई किट इतनी ज़्यादा कीमती नहीं है जितना कि उन्होंने दुनिया के सामने नंगा नाच किया है, यानी नकली मास्क बनाकर भेजा है। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान को तो अंडरवियर से बने मास्क दे दिए थे। यानी उस सिचुएशन में जहां पर जान मान की बात थी, तो चीन ने सभी देशों को धोखा दिया था, धोखेबाजी की थी, चाल चली थी चीन ने। लेकिन वहीं पर भारत ने अमेरिका को कोरोनिल, माफी चाहूंगा कि कोरोनिल नहीं बल्कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो उन्होंने दवा भेजी है, दोनों ने एंटीबायोटिक मेडिसिन भेजी थी, उससे पता चलता है कि भारत कितना दानवीर है। क्योंकि इसी भारत में राजा हरिश्चंद्र रहे हैं और इसी भारत में महात्मा बुद्ध रहे हैं। तो इन सब की सोच को हम जाया नहीं जाने देंगे, इन लोग की मेहनत को हम बेकार नहीं होने देंगे। हर हम मूल अपनाएंगे, हर सूत्र अपनाएंगे जिससे कि हमारा देश एक बुद्ध को माने और उसी बुद्ध के रास्ते पर चलकर देश आगे बढ़े और हर देश गुणगान करे। क्योंकि भारत ने आज तक किसी भी देश को धोखा नहीं दिया, इसीलिए तो भारत पीछे, क्योंकि भारत चाल नहीं चलता, भारत किसी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करता।
आप क्या सोचते हैं, बड़े बड़े देश भारत के साथ हैं, आप किसके साथ हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।